नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, सेहत की बात कर रहे हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि कोविड पीरियड के बाद से लोग अपनी सेहत को लेकर कितने सजग हो गए हैं। ऐसे में आजकल लोग गट हेल्थ को लेकर ज्यादा फोकस करते हैं। आखिर गट हेल्थ है क्या? गट का हेल्दी रहना क्यों जरूरी है? गट हेल्थ और फर्मेंटेड फूड में क्या कनेक्शन है? साथ ही आपको आज हम एक फर्मेंटेड फूड की ऐसी रेसिपी बताएंगे जो आसान होने के साथ साथ बहुत इफेक्टिव है और आपके गट हेल्थ के साथ साथ और भी शारीरिक समस्याओं के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज जिस फर्मेंटेड फूड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सावरक्राउट, यानी कि फर्मेंटेड कैबेज, जिसे पत्ता गोभी हम कहते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे, इसकी रेसिपी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताना आपको जरूरी है कि आखिर गट हेल्थ क्या है। गट हेल्थ यानी कि इंटेस्टाइनल हेल्थ। अब इंटेस्टाइनल हेल्थ क्यों जरूरी है? दोस्तों, इंटेस्टाइनल हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी को जो भी आपने खाया है उसके पूरे न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे, और पूरे न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे तो अपने आप ही आपकी ओवरऑल बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल पाएगा। दोस्तों देखिए, ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि आपका इंटेस्टाइनल, आपकी बॉडी में खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जिससे न्यूट्रिएंट मिले और वेस्ट मटेरियल बाहर निकले। यही दोनों अगर चीजें ढंग से नहीं चलेगी, ना वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा ना न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो इससे आपको एसिडिटी, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, IBS इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी इफेक्ट होगी। अब जानिए कि गट हेल्थ बिगड़ती कैसे है। गट हेल्थ बिगड़ती है आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से। आप जंक फूड ले रहे हैं, आप प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हैं अपनी डाइट में, आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरियाज जो है कम हो जाते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जिससे आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। तो इस वजह से हमारी गट हेल्थ बिगड़ जाती है। अब गट हेल्थ को हेल्दी कैसे रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गट हेल्थ को हेल्दी रखेंगे हमारे फर्मेंटेड फूड। जी हाँ, फर्मेंटेड फूड खाने से दोस्तों आपकी इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया मर गए थे वो रीजेनरेट होते हैं, जिससे आपका डाइजेशन प्रॉपर चलेगा। डाइजेशन प्रॉपर चलेगा तो न्यूट्रिएंट आप जानते ही हैं आपकी बॉडी को मिलेंगे और आप हेल्दी रह सकेंगे। आज हम आपको फर्मेंटेड फूड की सीरीज में सावरक्राउट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सावरक्राउट की रेसिपी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि आखिर फर्मेंटेशन है क्या, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ऑक्सीजन की कमी में आप शुगर, यीस्ट और बैक्टीरियाज जब आपस में मिल रहे हैं वो गुड बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यही लैक्टोबैसिलस जब हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और इस लैक्टिक एसिड में प्रोबायोटिक वाली क्वालिटी होती है जो हमारे डाइजेशन को अच्छी रखती है। साथ ही डाइजेशन के लिए जो गुड बैक्टीरियाज की जरूरत होती है ये उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं, रीजेनरेट करते हैं, जिससे हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है। अब बात करते हैं आज के फर्मेंटेड फूड यानी कि सावरक्राउट के बारे में। सावरक्राउट यानी कि फर्मेंटेड कैबेज, जब ये फर्मेंट हो जाती है जो हमें उसके बाद जो कैबेज मिलती है उसे सावरक्राउट कहते हैं, और आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। आप जानते हैं कि बाहर के यानी फॉरेनर्स जो होते हैं इसे, सावरक्राउट को डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं। जी हाँ, आज इस आसान रेसिपी से, इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही इसके बेनिफिट्स भी आपको रेसिपी के दौरान बताएंगे। देखिए, हमने कैबेज को अच्छे से फाइनली चॉप कर दिया है, लेकिन आपको अच्छे से धोना है। हमने भी इसको काटने से पहले भी धोया, फिर काटने के बाद भी इसको अच्छे से वॉश किया है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, ये जो डंठल होता है, कैबेज का डंठल होता है, इसको हमें फर्मेंटेशन के दौरान यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करना ईजी नहीं होता और ये गलता भी ईजिली नहीं है, इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसका आगे का क्या प्रोसेस है। ये देखिए, अब इस कैबेज के अंदर आपको सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट डालना है। जो लोग BP पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा रहता है, वो कोशिश करें आयोडाइज नमक ना लें, और आप हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हमने मिला लिया है, सॉल्ट को अपने टेस्ट के अनुसार डाल के अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे ढककर। अब ये देखिए, ये कैबेज ने पानी छोड़ दिया है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं किया था। अब टाइम है इसकी फर्मेंटेशन का। आपको फर्मेंटेशन के दौरान एक चीज़
ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी मिट्टी का बर्तन नहीं लेना है, ना ही कोई मेटल का बर्तन लेना है, आपको कांच की या फिर चीनी मिट्टी का बर्तन लेना है, क्योंकि इसका जो पानी है वो मिट्टी सोख लेगी। अब आपको पत्ता गोभी का एक बाहर का एक लेयर लेनी है और इसको कुछ इस तरह से ढकना है। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि अंदर ऑक्सीजन ना जा सके और फर्मेंटेशन का प्रोसेस अच्छा हो। अब इसको, ये जो बचा हुआ पानी था, इसको इस तरह से डाल दीजिए। अब इस कंटेनर को आप अच्छे से बंद कर दीजिए। अब ये एयर टाइट कंटेनर को आप धूप में करीब 5 से 7 दिन रखिए, उसके बाद आप इसको चेक करेंगे तो ये फर्मेंट पूरी तरह हो चुका होगा। देखिए, इसको अब 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखना है, लेकिन ध्यान आपको यहाँ पर ये बात रखनी है कि इस फर्मेंटेड कैबेज को, सावर क्राउट को, आपको 10 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है, क्योंकि 10 दिन के बाद ये खराब होनी शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो इसके टेस्ट को थोड़ा सा और टैंगी बनाने के लिए इसमें नींबू, भुना हुआ जीरा, राई डाल सकते हैं, या आप इसको सैलेड के तौर पर खाएंगे तो ज़्यादा फायदा देगा। हम आपको यही सलाह देंगे और एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि अगर फर्मेंटेड फूड आप मॉर्निंग यानी ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। दोस्तों, कैबेज ही नहीं बल्कि अपनी मनचाही सब्जी जैसे शलगम, चुकंदर, खीरा, गाजर, कोई भी सब्जी जो आपको पसंद है उसको आप फर्मेंट करके खाएं, ताकि फर्मेंटेड फूड आपकी डाइट का हिस्सा बन सके और आपकी गट हेल्थ अच्छी रह सके। दोस्तों, हमने आपको पहले वीडियो में कांजी भी बनाना सिखाया था, इस वीडियो में कैबेज आपको फर्मेंटेड कैबेज बनाना सिखाया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही कई वीडियोस हम आपके लिए और लेके आएंगे। आपके लिए आने वाले टाइम पे हम किमची, फर्मेंटेड एक फूड आइटम है, किमची का भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी फर्मेंटेड फूड का फ़ायदा उठा सकें।